चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज एक छोटा सा टॉपिक और, दैट इज बीट्स। इस पर सवाल अगेन है ना, आप खैर सोचो कि सर जब भी कोई टॉपिक लिखते हैं तो सर बोल देते हैं कि नहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह, बट बोलना ही पड़ता है, बड़ा इंपॉर्टेंट तो है ही। बीट बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस पर सवाल पूछते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर और भी, मतलब बीट के कॉन्सेप्ट के अलावा भी कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, और लेकिन उसके अंदर बीट फ्रिक्वेंसी वगैरह पूछ रखी होती है। इस तरह के सवाल जेई मेन में, आईआईटी एडवांस में बार बार पूछ रखे होते हैं, तो हमें ढंग से देखना होगा कि आखिर बीट क्या है। फॉर्मूला भी देखना होगा, मेन चीज फॉर्मूला है और फॉर्मूले पर आने वाले सवाल हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इसकी थोड़ी फील लेने की भी कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली बीट्स क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम किसी दो कोहरेंट सोर्सेस को अगर हम सुपरइम्पोज करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी किस तरह से वेरी करते हैं मैं आपको दिखा चुका हूं। लेकिन अगर दो इनकोहरेंट सोर्सेज अगर मैं इंटरफेयर कराऊं, तो आपको बता चुका हूं कि एक की इंटेंसिटी अगर आई वन हो रही, एक की इंटेंसिटी अगर आई टू है, तो हमें एवरेज इंटेंसिटी सुनाई देगी, एंड दैट विल बी सिंपली आई वन प्लस आई टू। ये हम देखते हैं। अब कहानी ऐसी है कि अगर मान लीजिए कि दो जो साउंड के सोर्सेज हैं दोनों की फ्रिक्वेंसी बराबर तो नहीं है, लेकिन आसपास है, मतलब एक की 500 हर्ट्ज तो दूसरे की 505 हर्ट्ज। दीज आर हैविंग टू डिफरेंट ओमेगास ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, सो ऑब्वियसली हम उनको इनकोहरेंट सोर्सेज बोल सकते हैं। लेकिन इस बार आपके जो इनकोहरेंट सोर्सेज हैं उनकी फ्रिक्वेंसी में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी, या फिर सही कहो तो जो रिजल्टेंट आपके पास वेव फॉर्म आएगा, उसको हम बीट कहेंगे। तो चलिए बेटा इस बात को लिखिएगा, टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज व्हेन सुपरइम्पोज्ड रिजल्टेंट इज बीट, बट रिजल्टेंट इज बीट। फेयर एनफ। जब मैंने कह दिया कि दोनों के दोनों जो सोर्सेज हैं उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, सो आई ऑब्वियसली मीन दैट कि दोनों के दोनों सोर्सेज इनकोहरेंट हैं, दोनों कोहरेंट सोर्सेज हैं नहीं है। तो आप कह सकते हो कि इट इज सुपरपोजिशन ऑफ इनकोहरेंट सोर्सेज। फेयर एनफ। अब आप कहोगे कि सर इनकोहरेंट सोर्सेज जब भी इंटरफेयर हो रहे थे तो आप तो हमें अलग से हेडिंग लिखाकर सिखा चुके हो कि एक की इंटेंसिटी अगर आई वन है, एक की इंटेंसिटी आई टू है, तो हमें एवरेज इंटेंसिटी सुनाई देगी, एंड दैट विल बी सिंपली आई वन प्लस आई टू। लेकिन बीट के अंदर मामला बेटा यह है कि फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस बहुत कम है, इस कारण से आपको है ना जो रिजल्टेंट साउंड सुनाई देगी उसमें वेरिएशन सुनाई देगा कि इंटेंसिटी बढ़ी घटी बढ़ी घटी बढ़ी घटी, इस तरह से आपको सुनाई देगा, और आपके जो ईयर हैं वो इस बात को परसीव कर पाएंगे, इस बात को पहचान पाएंगे कि देखो इंटेंसिटी कम हुई ज्यादा हुई, कम हुई ज्यादा हुई, उसको पहचान पाएंगे। तो आप एक छोटी सी बात और लिखिएगा, इन बीट और रिजल्टेंट साउंड विल हैव वेरिएबल इंटेंसिटी, विल हैव वेरिएबल इंटेंसिटी, और वो इंटेंसिटी बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी घटेगी, कभी ना कभी दोनों वेव्स के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जैसे ही दोनों वेव्स के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा किसी न किसी टाइम पर, उस टाइम पर आपको मिनिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी। दोनों वेव्स के बीच में कभी ना कभी
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जैसे ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उसी टाइम पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी और आप जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के बीच में लगातार आवाजें सुनते जाओगे सुनते जाओगे सुनते जाओगे सुनते जाओगे। डिफरेंस फ्रीक्वेंसी का बहुत कम है इसलिए ये जो वेरिएशन है बेटा ये बिल्कुल धीरे 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 होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि मान लीजिए कि एक वेव की वजह से इंटेंसिटी है I1 और एक वेव की वजह से इंटेंसिटी है I2, ठीक है, दोनों कोहरेंट सोर्सेज नहीं है, इनकोहरेंट सोर्सेज हैं, तो आप जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी सुनते हो दैट विल बी सिंपली I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ I1 I2 इंटू कॉस डेल्टा फाई। अब ये जो फेज डिफरेंस है ये ऑफकोर्स टाइम के साथ वेरी करेगा क्योंकि इसका ओमेगा अलग है, इसका ओमेगा अलग है, तो ये जो फेज डिफरेंस है इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम और ये फंक्शन ऑफ टाइम है तो ये लगातार चेंज होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी लगातार चेंज होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। जो लीस्ट इंटेंसिटी आप सुनोगे बड़ा वो इसकी वैल्यू माइनस में रख लेना, तो आप कह सकते हो कि दैट विल बी रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। जो आप मैक्सिमम इंटेंसिटी सुन सकोगे बेटा वो तब होगी जब कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू 1, उस टाइम आप मैक्सिमम इंटेंसिटी सुन पाओगे रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर और इस तरह से आपके कान जो है वो आई मिनिमम से लेकर आई मैक्सिमम तक की इंटेंसिटी सुन पाएंगे। और दोनों साउंड के सोर्सेस के ओमेगा में हल्का सा डिफरेंस है, दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी में हल्का सा डिफरेंस है, इस कारण से क्या होगा कि मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम आप इस इंटेंसिटी के बढ़ने घटने बढ़ने घटने बढ़ने घट को आप परसीव कर पाओगे, आप उसको पहचान पाओगे कि देखो इंटेंसिटी बढ़ गई फिर घट गई फिर बढ़ गई फिर घट गई फिर बढ़ गई फिर घट गई। तो हम जो साउंड परसीव करेंगे हियर करेंगे बट इट विल वेरी फ्रॉम आई मिनिमम टू आई मैक्सिमम एंड दिस वेरिएशन विल बी स्लोली और ये स्लोली होगा इसलिए हमारे कान जो है वो उस बात को पहचान पाएंगे कि देखो यार इंटेंसिटी किस तरह से वेरी कर रही है। हाँ अगर इन दोनों साउंड के सोर्सेज के ओमेगा का डिफरेंस लार्ज हुआ, अगर लार्ज हुआ तब भी इंटेंसिटी वेरी तो यहां से यहां तक करेगी लेकिन वो इतनी फास्टली करेगी कि हमारे कान जो है वो कॉन्स्टेंट साउंड सुनेंगे फिर वो उस वेरिएशन को जज नहीं कर पाएंगे, फिर हम कहेंगे कि ये बीट नहीं है। बीट सिर्फ कब है जब हम ये मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी को पहचान सकें। तो आप कह सकते हो कि इन कोहरेंट सोर्सेज के अगर ओमेगाज नजदीक नजदीक हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज अगर नजदीक नजदीक हैं, तो ये मिनिमम से मैक्सिमम मैक्सिमम से मिनिमम ये जो इंटेंसिटी बार 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 वेरी कर रही है इसको हमारे कान पहचान पाएंगे और जो रिजल्टेंट साउंड होगी उसको हम बीट कह देंगे। और अगर मान लीजिए कि ओमेगाज में डिफरेंस लार्ज हुआ तो बड़ा ऑफ कोर्स इंटेंसिटी वेरी तो यहां से यहां करेगी लेकिन आपको सुनाई क्या देगी एवरेज, आप वो मैक्सिमम मिनिमम जो लगातार वेरिएशन हो रहा है उसको हम परसीव नहीं कर पाएंगे उसको हम पहचान नहीं पाएंगे। तो आप कह सकते हो कि इफ सोर्सेस हैव नियरली सेम ओमेगा उस केस के अंदर अवर ईयर्स विल ऑब्जर्व द वेरिएशन इन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है उसको ऑब्जर्व कर पाए उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इंटेंसिटी बढ़ी घटी बढ़ी घटी और जो रिजल्टेंट आपकी साउंड है जो रिजल्टेंट साउंड है उसको हम कह देंगे कि यह आपकी बीट है। लेकिन अगर मान लीजिए इफ सोर्सेस हैव एंगुलर फ्रीक्वेंसी विथ लार्ज डिफरेंस, बड़ा मान लो कि एक का ओमेगा 100 पाई है दूसरा ओमेगा 200 पाई है, मान लो ऐसा है, इफ सोर्सेज हैव ओमेगा विथ लार्ज डिफरेंस देन अवर ईयर्स विल नॉट ऑब्जर्व द वेरिएशन एंड
ओनली हियर एवरेज इंटेंसिटी, सिर्फ एवरेज इंटेंसिटी सुनाई देगी। और उस केस में आप कह सकते हो कि आपकी जो साउंड है ना वो एक तरह से कंटिन्यूअस साउंड है, बस वो कंटिन्यूअस साउंड है। तो इन कोहरेंट सोर्सेज का जो इंटरफेरेंस है वो कंटिन्यूअस साउंड भी हो सकता है और वो बीट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि उनके ओमेगास में या उनकी फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस छोटा है या बड़ा है। छोटा है तो बीट बन सकती है, और अगर बड़ा ओमेगास में डिफरेंस या फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस बड़ा है तो ऑफकोर्स आपको कंटिन्यूस साउंड सुनाई देगी। ऑफकोर्स वी विल डिस्कस इट। तो बेटा ये कुछ बातें, एक दो बातें मेरे पास और हैं, है ना, वो भी अपन लिखते हैं, है ना। ये बेटा सारे के सारे पॉइंट लिखने हैं अपन को, ठीक है। तो ऐसे समझाने के लिए तो है ही है, बट लिखने भी है। क्लास नोट्स तो अच्छे बनने चाहिए अपन के ना। चलिए, जब भी रिवीजन करोगे तो ऑफकोर्स क्लास थोड़ी देखोगे, रिवीजन तो बेटा कॉपी से करोगे ना, तो क्लास नोट्स तो अच्छे बनाएगा। नेक्स्ट, अब ऐसे केस में जो आपकी रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड लगातार वेरी करेगा, इंटेंसिटी लगातार वेरी करेगी, तो आप कह सकते हो रिजल्टेंट साउंड विच इज बीट विल हैव वेरिएबल इंटेंसिटी, विल हैव वेरिएबल इंटेंसिटी। और आप ऐसा कह सकते हो कि अगर मैं इंटेंसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करूं तो बड़ा ग्राफ विल वेरी लाइक दिस, मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आप सुन सकते हो, यू नो इट वेरी वेल, बड़ा दैट इज रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। जो मिनिमम इंटेंसिटी आप सुन सकते हो बड़ा, वो रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अक्सर जो दोनों साउंड वेव्स हम जो सुपर इम्पोज कराते हैं उनके इंटेंसिटी बड़ा बराबर दे रखी होती है, तो ये जो मिनिमम वाली है ये अक्सर जीरो दिखा रखी होती है। तो अगर मान लीजिए कि आपका इफ आई वन इज इक्वल्स टू आई नॉट हुआ तो आपकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है बेटा वो इस तरह से वेरी करेगी, मिनिमम जो हो जाएगी वो तो बेटा जीरो हो जाएगी, और मैक्सिमम बेटा आप देख पा रहे हो आई नॉट रूट आई नॉट, रूट आई नॉट टू टाइम्स रूट आई नॉट, उसका स्क्वायर क्या होगा फोर आई नॉट, मैक्सिमम इंटेंसिटी आप फोर आई नॉट सुन पाओगे, एंड द ग्राफ विल बी लाइक दिस, विल बी लाइक दिस। फेयर एनफ, आवाज कम फिर ज्यादा, फिर आवाज कम फिर ज्यादा, फिर आवाज कम फिर ज्यादा, फिर आवाज कम फिर आवाज ज्यादा, इस तरह का बीट्स बनती जाएंगी। आपने मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनी और अगली बार मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनी, इन दोनों के बीच का जो टाइम है इसे हम बीट टाइम पीरियड कह रहे हैं। क्या शब्द यूज कर रहे हैं? बीट टाइम पीरियड, बीट टाइम पीरियड। और एक सेकंड के अंदर आप कितनी फ्रीक्वेंसी सुनते हो, एक सेकंड के अंदर आप कितनी बीट सुनते हो, अगर वो निकालनी है तो दैट इज ऑफकोर्स वन अपॉन बीट टाइम पीरियड, ये हमारी बीट फ्रीक्वेंसी। ये हमारी बीट फ्रीक्वेंसी, अगर एक वेव की फ्रीक्वेंसी है एफ वन, दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी अगर एफ टू, तो हमारी जो बीट फ्रीक्वेंसी आएगी वो हमेशा एफ वन माइनस एफ टू का मोड आएगी। हम इसको निकाल के लेंगे, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। जो बीट फ्रीक्वेंसी आएगी वो मोड ऑफ एफ वन माइनस एफ टू आएगा। मोड मैंने इसे लगा दिया क्योंकि बड़ा फ्रीक्वेंसी नेगेटिव ही हो सकती है ना, इसलिए बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी में से आप छोटे वाले फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देना। आई होप हल्का फुल्का आइडिया लग गया होगा आपको कि इंटेंसिटी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, और ये जो इंटेंसिटी का बढ़ना घटना, बढ़ना घटना है, इसमें आप ऐसा कह सकते हो कि हमारे पास बीट है, और एक सेकंड के अंदर कितनी बार आप मैक्सिमम सुन रहे हो उस संख्या को, या फिर एक सेकंड के अंदर कितने मिनिमम वैल्यू, मिनिमम इंटेंसिटी सुन रहे हो उस वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। तो आप एक एक लास्ट पॉइंट और लिख दो बेटा, लास्ट पॉइंट और लिख दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट,
नंबर ऑफ टाइम्स वी हियर मैक्सिमम इंटेंसिटी इज नोन सॉरी नंबर ऑफ टाइम्स वी हियर मैक्सिमम इंटेंसिटी इन वन सेकेंड इज नोन एज बीट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, वैसे बेटा जितने टाइम्स मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनोगे उतने टाइम मिनिमम सुनोगे, क्योंकि मैक्सिमम आएगी फिर मिनिमम आएगी फिर मैक्सिमम आएगी फिर मिनिमम आएगी। तो आप ये कह सकते हो द नंबर ऑफ टाइम्स वी हियर मिनिमम इंटेंसिटी इन वन सेकेंड इज ऑल्सो नोन एज बीट फ्रिक्वेंसी। तो जैसे बोलना चाहो वैसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते हैं कि ये बीट फ्रिक्वेंसी है कितनी, सॉरी बीट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला कैसा है, इसको हम हल्का सा प्रूव करते हैं। बहुत ही आसान सा काम है, कोई इतना टफ काम नहीं। बीट फ्रिक्वेंसी सोडा बीट साउंड के लिए प्रिफरेबली हम ऐसे साउंड के सोर्सेज लेंगे जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो, जिनकी इंटेंसिटी सेम हो। सर ऐसा क्यों बेटा, बताया ना नहीं, अगर दो साउंड के सोर्स अगर सेम इंटेंसिटी के होंगे तो जो मिनिमम इंटेंसिटी आप सुनोगे वो जीरो होगी और मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i0 होगी। अगर दोनों इंटेंसिटीज बराबर नहीं हुई तो उस केस में मिनिमम इंटेंसिटी √i1 - √i2 का होल स्क्वायर होगी और मैक्सिमम √i1 + √i2 का होल स्क्वायर होगी। तो अच्छी बीट कब सुनोगे, अच्छी बीट तब सुनोगे जब मिनिमम इंटेंसिटी मिनिमम हो जीरो, मैक्सिमम इंटेंसिटी ज्यादा से ज्यादा हो, वो कब होगी जब i1 और i2 बराबर हो जाए। तो प्रेफरेबली अगर आपको अच्छी बीट सुननी है तो साउंड के जो दोनों सोर्सेज हैं उनका एम्पलीट्यूड सेम हो तो मजा आएगा। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि बीट जो है वो तब बनेगी जब दोनों के दोनों साउंड के सोर्सेज का एम्पलीट्यूड बराबर हो। हालांकि बराबर ना हो तब भी बीट बन सकती है, लेकिन वो बीट उतनी अच्छी सुनाई नहीं देती जितनी तब सुनेगी जब दोनों साउंड के सोर्सेज के एम्पलीट्यूड बराबर। तो बेटा बात लिखिएगा, टू साउंड सोर्सेस सेम एम्पलीट्यूड, बेटा बोल रहा हूं प्रेफरेबली ऑफ कोर्स सेम इंटेंसिटी प्रेफरेबली नियरली सेम फ्रीक्वेंसी है, दिस इज मस्ट नियरली सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रहे हो तो बेटा फिर तुम जानते हो स्टैंडिंग वेव्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, चलिए आपके पास साउंड का बेटा एक सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी है f1, ये साउंड का बेटा दूसरा सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी है f2, बोथ ऑफ देम आर सोर्सेस हैविंग फ्रीक्वेंसीज f1 एंड f2 हैविंग स्लाइटली डिफरेंट। इन दोनों से बड़ा एक से वेव यू आई, एक से बड़ा वेव यू आई, ये कोई पॉइंट है, लेट्स बड़ा ये वाला पॉइंट है आपका x = 0। इस पॉइंट पर साउंड कैसी होगी, इसके लिए बड़ा मुझे पहले वेव लिखनी पड़ेगी। वेव में बड़ा तुम डिस्प्लेसमेंट वेव भी लिख सकते हो, प्रेशर वेव भी लिख सकते हो, मैं प्रेशर के तरीके से लिखना पसंद करता हूँ। तो इस पर पहली वाली वेव के कारण जो है कि बड़ा दैट विल बी p0 साइन 2πf1t - kx, बट x तो 0 है। दूसरे वाले ट्यूनिंग फोर्क के कारण यहां पर जो वेव आएगी बड़ा दैट इज p0 साइन ωt (2πf2t - kx, x तो बेटा यहां पर 0 है। एज वी नो दैट कि हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो ये कहता है कि इस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट प्रेशर होगा दैट विल बी ऑफ कोर्स p1 + p2, अगर दोनों वेव्स एक साथ आएंगे तो दैट विल p1 + p2। इट कैन बी रिटन एज p0 तो बेटा बाहर साइन
टू पाई एफ वन टी प्लस साइन टू पाई एफ टू टी। इट इज अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी इज ऑफ कोर्स टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो हमारे पास फॉर्मूला लगाइए बेटा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू। कॉस सी माइनस डी बाई टू दिस इज द रिजल्टेंट प्रेशर। मैं स्कोर अच्छे से लिखूं, इट कैन रिटन एज 2 पी नॉट कॉस ऑफ पाई एफ वन माइनस एफ टू इंटू टी साइन ऑफ पाई एफ वन प्लस एफ टू। ये हमारे पास रिजल्टेंट प्रेशर है एंड एज यू कैन सी दैट कि दिस रिजल्टेंट प्रेशर कैन वेरी फ्रॉम माइनस टू पी नॉट टू प्लस टू पी नॉट। मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैंने जानबूझ के इस टर्म को बड़ा ब्रैकेट में लिखा है, और मैंने इसलिए लिखा है कि इस पूरे के पूरे फंक्शन में, आई नो दैट मैथमेटिकली फंक्शन थोड़ा सा वेग है, थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है। इसमें से मैंने जानबूझ के इसे ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये वाला जो जो एक्सप्रेशन है ये धीरे धीरे वेरी कर रहा है, क्योंकि अंदर f1 माइनस f2 है, f1 और f2 नियरली सेम है, तो ये वाली वैल्यू बहुत छोटी आएगी, और अगर ये वाली वैल्यू बहुत छोटी आएगी तो ये एक तरह से एम्पलीट्यूड है, और ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये एम्पलीट्यूड समय के साथ लगातार वेरी कर रहा है। आप कह सकते हो कि रिजल्टेंट प्रेशर इज समथिंग लाइक दिस, कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंटू साइन ऑफ पाई F1 प्लस F2 into T। मैंने इसे एम्पलीट्यूड लिख दिया कि जो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया प्रेशर का, दैट इज 2 P नॉट कॉस ऑफ पाई F1 माइनस F2 into T। ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, ये एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, लेकिन F1 और F2 इतने नजदीक है कि ये वेरिएशन बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है, एम्पलीट्यूड धीरे 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 चेंज हो रहा है, और एम्पलीट्यूड ऑफ कोर्स धीरे धीरे अगर चेंज हो रहा है तो जो रिजल्टेंट साउंड है उसकी इंटेंसिटी भी धीरे धीरे वेरी कर रही है। और हमारे पास, हम चाहें तो बेटा इसका पूरा ग्राफ भी बना सकते हैं, इसमें कोई ग्राफ बनाने में इतना कोई मुश्किल काम है नहीं, मैं आपको इसका ग्राफ भी बनाकर सिखाता हूं। ग्राफ इसलिए कि हो सकता है बेटा कभी किसी ऑब्जेक्टिव सवाल के अंदर तुमसे पूछ ले, बताइए कि बीट का ग्राफ कैसे होता है वगैरह वगैरह, तो हमें आना चाहिए। बाकी ठीक है बेटा, मैथमेटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर, फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे अगर मैं इस एक्सप्रेशन का अगर ग्राफ बनाऊँ तो ये ऐसा आएगा कि रिजल्टेंट वेव जो आई है उसका एम्पलीट्यूड विल वेरी लाइक दिस, धीरे धीरे वेरी करेगा, धीरे धीरे वेरी करेगा। कॉस है इसलिए बेटा यहां से स्टार्ट कर दूं मैं इसको, इसका ग्राफ बेटा ऐसे ऐसे आएगा, और ये जो टर्म है इसमें बेटा ये F1 प्लस F2 है, तो ये एक तरह से एवरेज काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई, ये फास्टली वेरी करेगी, ये बेटा कैसे वेरी करेगी, फास्टली। और इसका जो ग्राफ आएगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, साइन 2 पाई F1 प्लस F2 अपॉन 2 इंटू टी। इसका ग्राफ जो आएगा बेटा एक तरह से F एवरेज हो गया, इसका जो ग्राफ आएगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इसका ग्राफ ऐसे है। ये फास्टली बेटा वेरी कर रहा है टाइम के साथ ये वाला एक्सप्रेशन तो, और ये स्लोली वेरी कर रहा है। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रेशर आएगा उसका ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस,
जो रिजल्टेंट प्रेशर आएगा, जो मेरे पास ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन का जो ग्राफ आएगा इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। जो रिजल्टेंट प्रेशर है इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। कैसे कॉम्बिनेशन आएगा बड़ा सुनना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट साउंड विल बी लाइक दिस। रिजल्टेंट साउंड के अंदर जो प्रेशर है इट विल बी लाइक दिस। ऐसा सा बड़ा ग्राफ है, ऐसा सा ग्राफ है। इस टाइम पर आपका रिजल्टेंट प्रेशर सबसे ज्यादा है, इस टाइम पर आप मैक्सिमम इंटेंसिटी सुन रहे हो। अगेन, इस टाइम पर रिजल्टेंट प्रेशर सबसे ज्यादा है, आप मैक्सिमम इंटेंसिटी सुन रहे हो। यहां से यहां आपने साउंड में बहुत तगड़ी इंटेंसिटी सुनी, फिर अचानक से कम हो गई, फिर बड़ी, फिर कम हो गई। लगातार दो इंस्टेंट जहां पर आप मैक्सिमम इंटेंसिटी सुन रहे हो उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है इसे हम बीट टाइम पीरियड कह सकते हैं। प्यारे बच्चों क्या कह सकते हैं? बीट टाइम पीरियड कह सकते हैं। और अगर आपको बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, बीट फ्रीक्वेंसी का अर्थ हो गया कि कितनी बार ये मैक्सिमाज आएंगे, तो बेटा दैट विल बी वन अपॉन वन। तो रिजल्टेंट जो वेव आएगी इट विल बी समथिंग लाइक दिस। आई रियली होप बेटा ये वाली बात तो आपको समझ में आएगी। आगे चले हमारे पास, अच्छा मुझसे बच्चे पूछा सर किस किस टाइम पर ऐसा होगा, अभी देख लेते हैं बेटा कब कब तुम मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनोगे, अभी देख लेते हैं। हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया बेटा दैट वाज 2P0 cos π f1 - f2 × t। आप मैक्सिमम इंटेंसिटी तब सुनोगे जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या तो +2P0 हो या -2P0 हो, दोनों मैक्सिमम होते हैं। उसके लिए इसकी वैल्यू शुड बी आइदर +1 या फिर -1। तो आप कहोगे कि सर उसके लिए cos π f1 - f2 × t शुड बी आइदर +1 या -1। उसके लिए आप जानते हो कि अंदर जो पाई f1 - f2 × t है या तो ये जीरो होना चाहिए क्योंकि जीरो होते cos 0 1 होता है, या ये पाई होना चाहिए क्योंकि cos पाई की वैल्यू -1 होती है, या ये 2π होना चाहिए क्योंकि cos 2π बड़ा फिर से 1 होता है, एंड सो। तो आप कह सकते हो कि पाई टाइम्स f1 - f2 × t शुड बी इक्वल टू n पाई। पाई से पाई कैंसिल और टाइम की बड़ा मेरे पास वैल्यू आ गई है n/f1 - f2। ये वो टाइम्स हैं जिन टाइम पर आप मैक्सिमम इंटेंसिटी सुन रहे हो। तो सुनना, सबसे पहले मैक्सिमम इंटेंसिटी कब सुनोगे? तुम बोलोगे सर सबसे पहले मैक्सिमम इंटेंसिटी हम तब सुनेंगे जब n को बड़ा जीरो रखना, n को जीरो मतलब t = 0। अगली बार कब सुनोगे? n को वन रखना, n को वन रखा तो टाइम की वैल्यू आ गई 1/f1 - f2। अगली बार कब सुनोगे? n को टू रखना तो 2 × 2/f1 - f2। तो आप कह सकते हो कि आप मैक्सिमम इंटेंसिटी सुन रहे हो t = 0 पर, t = 1/f1 - f2 पर, 2/f1 - f2 पर, 3 × f1 - f2 पर, 4/f1 - f2 पर, एंड सो ऑन। ये वो टाइम्स हैं जिन टाइम्स पर आप मैक्सिमम 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 लगातार सुन रहे हैं। इनमें से किसी भी दो के बीच का जो डिफरेंस है वो आप देख पा रहे हो बेटा सेम आ रहा है, एंड द डिफरेंस इज ऑफ कोर्स योर बीट टाइम पीरियड। बेटा माइनस करना तो दैट इज 1/f1 - f2। एक सेकेंड के अंदर आप मैक्सिमम कितनी इंटेंसिटी सुनोगे वो अगर निकाल ली तो इसका उल्टा कर दो बेटा, दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज 1/बीट टाइम पीरियड, दैट विल बी f1 - f2। फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव तो बेटा इसका मोड ले लो, तो मोड ऑफ f1 - f2। सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ये आपकी बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है बड़ा, ये आपकी बीट फ्रीक्वेंसी का।
समझ गए बड़ा इस बात को, ये बड़ा आपकी बीट फ्रीक्वेंसी। मैं आपको है ना एक बार सुनाना भी चाहता हूँ कि एग्जैक्टली बीट्स कैसी होती हैं, ठीक है, क्योंकि कई बच्चों का ऐसा मिसकॉन्सेप्शन होता है कि सर शायद है ना जो पंजाबी गाने आते हैं उनके अंदर जो है वही बीट्स हैं, वो बड़ा कॉम्बिनेशन वो बीट्स वगैरह हो सकते हैं, लेकिन है ना एग्जैक्टली बीट्स कैसे होती है मैं आपको हल्का सा सुनाना चाहता हूँ। जैसे अगर दो साउंड के सोर्सेज लिए जाएं, दो साउंड के सोर्सेज लिए जाएं, एक की फ्रिक्वेंसी 200 हर्ट्ज और एक की फ्रिक्वेंसी 202 हर्ट्ज, तो क्या दोनों इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं क्या? ऑफ कोर्स। इन दोनों को एक साथ सुपर इंपोज करें, करो, कभी इंटेंसिटी मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम, मैं आपसे पूछूं कि इसकी बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर इसकी बीट फ्रीक्वेंसी आएगी 2 हर्ट्ज। बीट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज आने का मतलब है कि आपको एक सेकंड के अंदर दो बार मैक्सिमा सुनाई देगा, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, हर एक सेकंड के अंदर दो बार मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको सुनाई देगी, हर 0.5 सेकंड के अंदर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी। इन दोनों साउंड के सोर्सेस को सुपरइम्पोज करने के बाद जो रिजल्टेंट बीट बनती है वो साउंड कैसी है बेटा, मैं आपको हल्का सा सुनाना चाहूंगा। ये 2 हर्ट्ज की बीट है, सुनिए बेटा, आई होप यू गेट द पॉइंट। देखा आपने कैसे कैसे इंटेंसिटी बढ़ी घटी बढ़ी घटी, फिर से सुनना, आई होप यू गेट द पॉइंट, बढ़ना घटना बढ़ना घटना, और हमारे कान बड़े आराम से उसको परसीव कर रहे हैं कि देखो बढ़ घट बढ़ घट बढ़ घट रही है, और बहुत ही आसान थी 2 हर्ट्ज की बीट फ्रिक्वेंसी, तो हमारे कान बड़े आराम से सुन लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। मैं आपको एक साउंड और सुनाना चाहूँगा, अगर मान लो कि बीट फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा हो तो साउंड कैसी होगी, बीट फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो रैपिडली इंटेंसिटीज वेरी करेंगे, तो कानों को थोड़ा पहचानना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हमारे कान पहचान लेते हैं अगर बीट फ्रिक्वेंसी 14 हर्ट्ज से कम है तो 12 हर्ट्ज के आस पड़ोस की एक बीट फ्रिक्वेंसी के साउंड मैं आपको फिर से सुनाता हूँ। देखा है ना, पता लग रहा था ना कि इंटेंसिटी बढ़ रही है घट रही है बढ़ रही है घट रही है घट रही है। अगर ये बीट फ्रिक्वेंसी और ज्यादा अगर हो गई तो हो सकता है कि हमारे कान जो है बढ़ने घटने बढ़ने घटने बढ़ने घटने को परसीव ही ना कर पाए, फिर हम बोलेंगे कि ये बीट नहीं है, ये तो कंटिन्यूस साउंड है। अभी तक तो इस 12 हर्ट्ज वाले जो बीट है ना, जो 12 हर्ट्ज वाली बीट फ्रिक्वेंसी की जो साउंड थी, इसको तो मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चों ने है ना आराम से पहचान लिया, देखो इसमें इंटेंसिटी बढ़ घट बढ़ घट बढ़ घट रही है, और बहुत देर तक सुनोगे तो कानों में सॉरी कान में क्या सर में दर्द भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बार बार इंटेंसिटी बढ़ना घटना बढ़ना घटना। मैं फिर सुनाता हूँ, ये 12 हर्ट्ज की थी, ये बेटा कितने की थी 12 हर्ट्ज की थी। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है बेटा वैसे वैसे बीट फ्रिक्वेंसी को हम वैसे वैसे बीट को पहचानना मुश्किल भी होता रहता है, तो हो सकता है बेटा कई लोग है ना इस 12 हर्ट्ज को ना परसीव कर पाए, उनको कंटिन्यूस साउंड सुनाई दे। अगर कभी बीट फ्रिक्वेंसी 14 हर्ट्ज से अगर ज्यादा हो गई तो समझ जाना कि बेटा अब हम उस बीट को नहीं सुन पाएंगे, बीट विल नॉट बी हर्ड। तो सर क्या साउंड ही नहीं सुनाई देगी क्या? अरे साउंड सुनाई देगी कंटिन्यूअस। अगर आपकी बीट फ्रीक्वेंसी 14 हर्ट्ज से ज्यादा है फिर बेटा आपको कंटिन्यूअस साउंड सुनाई देगी। जो मैंने आपको अभी 12 हर्ट्ज की जो साउंड सुनाई ना, 12 हर्ट्ज की बीट फ्रिक्वेंसी की साउंड मैंने आपको सुनाई, ये भी बाउंड्री लाइन पे है, तो कईयों को ये कंटिन्यू सुनाई देती है और कईयों को एज ए बीट भी सुनाई देती है, तो वो डिपेंड करता है हमारे ऑफकोर्स
ईयर्स पर भी डिपेंड करता है कि है ना हम किस तरह से बेटा इसको परसीव कर पाते हैं। लेकिन मोस्टली बच्चे जो होते हैं मतलब वो तो बड़ा ये 12 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज़ की बीट फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। एज बढ़ती है तो ऑफकोर्स हमारे कान उतने अच्छे नहीं रहते, फिर हम उस तरह से नहीं पहचान पाते। लेकिन 14 हर्ट्ज़ से अगर ज़्यादा है फिर तो बेटा हम बीट को पहचान ही नहीं पाएंगे, फिर वो एक कंटिन्यूस साउंड की तरह ही सुनाई। आई रियली होप कि बेटा आप लोगों को सारे के सारे बातें याद हो गई होंगी। ये बेटा मैंने वैल्यू लिखी है, ये सब्जेक्टिव वैल्यू है, ये सब्जेक्टिव वैल्यू है। बीट फ्रिक्वेंसी 14 हर्ट्ज से छोटी हुई तो सुन लेंगे, ज़्यादा होगी तो वो बीट फ्रिक्वेंसी तो वो बीट नहीं सुनाई देगी, वो कंटिन्यूस साउंड सुनाई देगी। ये 14 हर्ट्ज सब्जेक्टिव वैल्यू है। कई बुक्स में 16 हर्ट्ज भी लिखा है, कई बुक्स में 10 हर्ट्ज भी लिखा है, तो वो अलग अलग वैल्यू लिखी रहती है, हमें उस पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करने। लेकिन ये मैंने अभी आपको 12 हर्ट्ज की बीट सुनाई एंड मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है कि आपको ये सुनाई दे रही है, मोस्ट लोगों ने कहा कि मुझे ये वाली बीट सुनाई दे रही है। तो मैंने कहा कि यार अपन तो है ना कम से कम 12 हर्ट्ज़ से तो ज़्यादा वाली वैल्यू ही लिख लेते हैं, तो मैंने 14 हर्ट्ज़ लिख ली। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे को तो सर है ना वो 2 हर्ट्ज़ वाली तो सुनाई दी थी लेकिन ये वाली ना सुनाई दी, तो फिर तो है ना तुम लोग चेंज कर लेना इसकी वैल्यू आ गया। ठीक, बाकी ये वैल्यू सब्जेक्टिव है। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, तो हमने देखा कि कैसे बीट बनती है और कैसे दो वेव्स सुपरइम्पोज होती है और इसकी क्या क्या कहानी है। ठीक है, और इंटरेस्टिंगली लगा होगा और मैथमेटिक्स आपने देखा कि हल्की सी टफ थी, मैंने थोड़ी ठीक अपने हिसाब से आसान करने की कोशिश तो की। अच्छा, मैंने तो कैलकुलेशन की ना कि बेटा कब कब इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई देगी, वो वाले टाइम निकाल लिए। इसके बजाय कोई बच्चा उल्टा भी कर सकता है कि किस किस टाइम पर मिनिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी, तो वहाँ पर बड़ा उस एम्पलीट्यूड को जीरो कर लो, जीरो 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 कब कब वो पता कर लो, उनके बीच के टाइम को क्या बोल देंगे हम बीट टाइम पीरियड और उसके उल्टे को हम क्या बोल देंगे बीट फ्रिक्वेंसी। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ सर मिनिमम इंटेंसिटी कितनी बार सुनाई देगी एक सेकेंड के अंदर, उसको भी हम बीट फ्रिक्वेंसी कह सकते हैं, तो वो भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते। अब आप पूछोगे सर सवाल कैसे बनेंगे, बाकी सब बातें तो ठीक है सर, सवाल वगैरह कैसे बनेंगे। तो चलिए, इस पर कुछ स्पेसिफिक सेट सवाल हैं वो हमें आने चाहिए, उससे पहले मैं दो चार थ्योरेटिकल बातें और बताऊंगा। सुनिए बेटा, कुछ पॉइंट हैं उनको नोट करें। सबसे पहला पॉइंट, ये मान लीजिए बेटा आपके पास कोई ट्यूनिंग फोर्क है। ठीक है, कभी कभी ये लिखा हुआ आएगा कि हमने ट्यूनिंग फोर्क को लोडेड कर दिया है। क्या कर दिया बेटा? लोडेड, ये शब्द लिखा हुआ आएगा, लोडेड कर दिया है। इसका मतलब ट्यूनिंग फोर्क के जो प्रॉन्ग्स है ना उसका आपने मास बढ़ा दिया है। सर मास कैसे बढ़ सकते हैं? एक तरीका तो बेटा मास बढ़ाने का ये है कि ये जो ट्यूनिंग फोर्क होता है उसके पास हम एक मोमबत्ती लेके आते हैं जलती हुई। ठीक है, और मोमबत्ती जलती हुई लेके आए और हम उस मोमबत्ती को ऐसे उसके ऊपर ले आएंगे तो उसमें से मोम थोड़ा 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 प्रोंग्स पे गिरा देंगे। जैसे ही प्रोंग्स पर हम थोड़ा 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 मोम गिरा देंगे तो मोम गिरते ही ऑफ कोर्स वो मोम जाके इन प्रोंग्स से चिपक जाएगा, चिपक जाएगा तो मास बढ़ जाएगा। जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी इज इक्वल्स टू 2π√mk होता है, तो उसी तरह का इसके टाइम पीरियड का भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता होगा, हमें उस फॉर्मूले पर नहीं जाना है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूं कि मास बढ़ाओगे तो इन ट्यूनिंग फोर्क के ऑसिलेशन के टाइम पीरियड बढ़ जाएंगे और बेटा टाइम पीरियड बढ़ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। सिर्फ इतना से याद रखना है कि वैक्स करोगे, वैक्स ऊपर लगाओगे तो ऐसे केस के अंदर लोडेड करोगे तो मास बढ़ेगा, वैक्स करोगे तो मास बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। लोडेड शब्द भी यूज कर रखा होता है और वैक्स्ड शब्द भी यूज कर रखा होता है। तो जब जब लिखा जाए कि हमने ट्यूनिंग फोर्क को वैक्स्ड कर दिया है या फिर हमने ट्यूनिंग फोर्क को बड़ा क्या लोडेड कर दिया, तो समझ जाना कि ट्यूनिंग फोर्क की प्रोंग्स का मास बढ़ गया है, मास बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी घट गई है। इसी तरह से कभी यह लिखा हुआ है कि हमने ट्यूनिंग फोर्क के जो प्रोंग्स हैं, ये बड़ा जो प्रोंग्स हैं इनकी फाइलिंग कर दी है। बड़ा फाइलिंग मतलब घिस दिया है, हमने घिस दिया है। तो ये जो ट्यूनिंग फोर्क है इनको आपने घिस दिया है तो घिसोगे तो उन पर जो वैक्स लगा था वो गिर जाएगा और वैक्स अगर गिर जाएगा तो ऑफ कोर्स हमारे ट्यूनिंग प्रोंग का जो मास है वो घट जाएगा और मास घट जाएगा तो ऑफ कोर्स बड़ा फ्रीक्वेंसी तो बढ़ जाएगी। आई होप याद रखोगे। इसी तरह से दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास कोई भी ऑर्गन पाइप है,
ऐसे इसके अंदर मान लीजिए बेटा आपका जो टेम्परेचर है वो टी है। अगर आपने कभी भी इस टेम्परेचर को बढ़ाया तो ऑफ कोर्स स्पीड ऑफ साउंड जो है बेटा वो बढ़ेगी। अरे बेटा स्पीड ऑफ साउंड अगर बढ़ेगी तो हम जानते हैं कि इस ऑर्गन पाइप के अंदर मान लीजिए बेटा कोई रेजोनेंस वगैरह है तो उसका फॉर्मूला बेटा ऐसा हुआ करता था आई थिंक एन वी अपॉन टू एल। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अंदर एयर का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो अंदर जो साउंड जाएगी उसकी स्पीड बढ़ेगी, उसकी स्पीड बढ़ेगी तो जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी है वो भी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बड़ा फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है। इसका उल्टा भी सही है बड़ा, अगर टेम्परेचर घटाओगे तो फ्रिक्वेंसी घटेगी। नॉट दैट टफ। नेक्स्ट, अगर आपके पास ये बड़ा फिक्स्ड, ये बड़ा फिक्स्ड, ये रस्सी है ऑफ कोर्स दोनों एंड फिक्स है वगैरह वगैरह, और इसकी फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हम बड़े आराम से जानते हैं एन वी अपॉन ट्वेल्व टाइम्स। अगर कभी ये बोल दिया जाए कि इस रस्सी के अंदर मैंने टेंशन बढ़ा दी है, बेटा जब भी आप टेंशन बढ़ाते हो याद कीजिए स्पीड ऑफ वेव ऑन दिस स्ट्रिंग का एक फॉर्मूला हुआ करता था अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन म्यू। टेंशन अगर बढ़ाओगे तो ऑफ कोर्स स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ वेव ऑन दिस स्ट्रिंग भी तो बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स आपकी जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है वो भी तो बढ़ेगी। तो टेंशन बढ़ाने पर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, और अगेन इसका उल्टा भी सही है, टेंशन घटेगी तो फ्रिक्वेंसी घटेगी। बहुत ही ट्रिवियल से पॉइंट थे ये तीन पॉइंट, अगर हमें याद रहेंगे तो बहुत सारे सवाल तो हम बड़े आराम से निपटा ही देंगे, मजे आ जाएंगे अपन को, ठीक है। चलिए अब आते हैं सवालों पे, मेन बात अब सवालों की। मेन बात बेटा सवालों की, चलिए सवाल करते हैं, सवाल करते हैं। ये मेरे पास एक ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है। अच्छा, इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी मुझे दे रखी है 100 हर्ट्ज, और इसके पास बड़ा एक ऑर्गन पाइप और है इस तरह से, ये कोई ऑर्गन पाइप, ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क एंड ऑर्गन पाइप आर प्रोड्यूसिंग बीट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, ठीक है ना। इन दोनों से अगर 5 हर्ट्ज की बीट बन रही है तो इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी के अंदर 5 हर्ट्ज का डिफरेंस रहना चाहिए। तो या तो इस ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी 95 हर्ट्ज है या 105 हर्ट्ज है, ठीक। ऑन 5ing द ट्यूनिंग फोर्क बड़ा स्लाइट सा चेंज आएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में। ऑन 5ing द ट्यूनिंग फोर्क बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, देन फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन ऑर्गन पाइप। सिंपल सा सवाल करते हैं बेटा, दोनों मिलकर 5 हर्ट्ज की बीट फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस 5 हर्ट्ज है, या तो ये 5 हर्ट्ज बड़ा है या ये 5 हर्ट्ज बड़ा है। तो इसका मतलब ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी या तो 95 हर्ट्ज है या बड़ा 105 हर्ट्ज, दोनों में से कोई सा आंसर है, ठीक है। ऑन फाइलिंग द ट्यूनिंग फोर्क बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, अच्छा अगर मैं इस ट्यूनिंग फोर्क की फाइलिंग कर दूं, फाइलिंग मतलब बेटा इसको घिस दूं, तो ऑफकोर्स इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फाइलिंग करने पर बड़ा याद तो है ना, प्रोंक्स का मास कम होता था, प्रोंक्स का मास कम होगा तो टाइम पीरियड भी कम, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़कर बड़ा हल्की सा चेंज आएगा, या तो 101 होगा या 102 होगा या 103 होगा, सो ऑन ऐसा कुछ होगा, ठीक है।
अब ऑफ कोर्स जो डिफरेंस पहले था अब डिफरेंस वो नहीं रहा, अब डिफरेंस तो चेंज हो गया। अगर ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी 95 हर्ट्ज है तो ये डिफरेंस जो पहले 5 था वो अब या तो 6 हो जाएगा या 7 हो जाएगा या 8 हो जाएगा। डिफरेंस बढ़ जाएगा तो ऑफ कोर्स बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो पक्की बात है कि हमारे ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी है, 95 हर्ट्ज। समझ गए होंगे, 105 हर्ट्ज तो हो ही नहीं सकती, कारण आप समझ गए होंगे, क्योंकि 105 अगर होती तो इस ट्यूनिंग फोर्क के साथ जो डिफरेंस है वो आप देख पा रहे हो कि या तो 4 हो गया या बड़ा 3 हो गया या 2 हो गया, डिफरेंस तो घट गया। और अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस घट गया तो बीट फ्रीक्वेंसी तो घट गई, बल्कि सवाल के अंदर तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई बता रहे हैं। तो पक्की बात है कि हमारा जो ऑर्गन पाइप है उसकी फ्रीक्वेंसी 95 हर्ट्ज। दिस इज द आंसर। ठीक, एक और सवाल बड़ा, एक और सवाल अगेन, ट्यूनिंग फोर्क है, ऑर्गन पाइप है, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी मुझे सवाल में गिवन है कि 100 हर्ट्ज, दोनों मिलकर बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं 5 हर्ट्ज की। अब मुझे बोला गया है कि ऑन लोडिंग द ट्यूनिंग फोर्क बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, कि अगर मैं ट्यूनिंग फोर्क की लोडिंग कर दूं तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ये सवाल में गिवन है। तो बताइए कि आपकी ऑर्गन पाइप के अंदर जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। सिंपल सवाल, वापस से लिखना है आप लोगों को, मैं तो ऐसे काम चला रहा हूं, तुम तो लिखो बेटा। चलिए बच्चों करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, इसकी पता नहीं, लेकिन दोनों मिलकर 5 हर्ट्ज की बीट क्रिएट कर रहे हैं, तो डिफरेंस 5 होना चाहिए। तो इसका मतलब ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी या तो 95 हर्ट्ज है या 105 हर्ट्ज। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। दोनों आंसर नहीं हो सकते, एक ही आंसर होगा। दोनों में से कौन सा आंसर होगा इसके लिए आगे हिंट दे रखा हम लोगों को। ऑन लोडिंग द ट्यूनिंग फोर्क, लोडिंग मतलब हमने इसके ऊपर वैक्स गिरा दिया होगा, ट्यूनिंग फोर्क के प्रोंग्स का मास बढ़ गया, मास बढ़ गया तो टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया उसकी फ्रीक्वेंसी घट गई। तो जो फ्रीक्वेंसी पहले 100 हर्ट्ज थी वो हल्की से कम हो जाएगी, 99 या 98, 97 ऐसे कुछ हो जाएगी यार, ठीक है अब एग्जैक्टली मुझे क्या पता। तो जो डिफरेंस पहले 5 था वो डिफरेंस अब या तो 6 हो गया है, वो डिफरेंस अब बेटा कितना 4 हो गया है या 3 हो गया है या 2 हो गया है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 95 हर्ट्ज होती तो फ्रीक्वेंसी, अगर इसकी 95 हर्ट्ज होती तो डिफरेंस घटता तो बीट फ्रीक्वेंसी घटती। सवाल में तो बीट फ्रीक्वेंसी बड़ी बता रखी है, तो पक्की बात है कि ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 95 हर्ट्ज नहीं है। अच्छी बात, तो सर क्या है, 105 है, 105 है, तभी तो पहले जो डिफरेंस 5 था अब वो डिफरेंस या तो 6 हो गया है या 7 हो गया है या 8 हो गया, कितना हो गया वो मुझे नहीं पता, लेकिन डिफरेंस तो बड़ा है ना, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी बड़ी है। तो पक्की बात है कि आपका जो ऑर्गन पाइप है उसकी फ्रीक्वेंसी 105 हर्ट्ज, बड़ा क्या है 105 हर्ट्ज, सिंपल। चलिए बेटा, आई रियली होप कि आप इस तरह के सवाल समझ गए। इस बात पर मैं आपसे अब न्यूमेरिकल सवाल पूछ लेता हूं, अच्छा लगेगा आपको, बढ़िया लगेगा, सुनिएगा। बढ़िया सवाल पूछ रहा हूं, आराम से इत्मीनान से करें। ये आपके पास एक ट्यूनिंग फोर्क है और दो सवाल पूछूंगा, अच्छे अच्छे आराम से इत्मीनान से करें, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी मुझे सवाल में दे रखी है कि इट इज 200 हर्ट्ज। एक रस्सी है फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, इसकी बड़ा लेंथ 2 मीटर है, हल्की सी स्ट्रिंग है बड़ा, इसका जो मास है वो 40 ग्राम, इसका जो मास है बड़ा वो 40 ग्राम है, ठीक है बच्चों।
फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, ठीक है बच्चों, ये अपने ये जो रस्सी है ये बड़ा अपने फंडामेंटल मोड के अंदर वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, और ये दोनों मिलकर बीट फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हैं 10 हर्ट्ज की, दोनों मिलकर 10 हर्ट्ज की बीट फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हैं। तो आप समझ गए कि सर पक्की बात है कि दोनों में डिफरेंस जो है वो 10 हर्ट्ज का है, ठीक है। Tuning fork is waxed, beat frequency decreases. ये सवाल में लिखा हुआ है. Then find tension in string. String में tension कितनी है बताइए. String में कितनी tension है बड़ाई बताइए. बिल्कुल बताइए. इसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है और दोनों मिलकर 10 हर्ट्ज की बीट क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो 190 हर्ट्ज और ये 210 हर्ट्ज, या तो 190 या 210 हर्ट्ज, दोनों में से कोई सी एक फ्रीक्वेंसी इस रस्सी की होनी चाहिए और वो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ये सवाल में दिया हुआ है। लेकिन सर दोनों में से कौन सी, दोनों तो नहीं हो सकती, एक होगी, ठीक है। अगर मैं ट्यूनिंग फोर्क को वैक्स कर दूं, मतलब लोड कर दोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, तो या तो जैसे बड़ा 199, 198, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं 197, ऐसे कुछ हो जाएगी। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 210 हर्ट्ज होती तो ये डिफरेंस जो पहले 10 था अब वो 11 हो जाता, 12 हो जाता, 13 हो जाता, तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती। अरे सर बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ नहीं रही है, सवाल के हिसाब से बीट फ्रीक्वेंसी घट रही है, ठीक है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। आंसर बड़ा 190 हर्ट्ज होना चाहिए, इसीलिए तो जो बीट फ्रीक्वेंसी पहले 10 थी वो घटकर या तो 9 हो गई या 8 हो गई या 7 हो गई, कितनी हो गई मुझे इसमें इंटरेस्ट थोड़ी, मुझे इस बात में इंटरेस्ट है घट गई, सवाल में घटी बोली है। तो इसका मतलब हमारा जो क्या कहते हैं बेटा, जो रस्सी जो दोनों एंड से फिक्स है उसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 190 हर्ट्ज है, एंड फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आता है वी अपॉन 2L। बेटा मेरे पास दैट इज इक्वल्स टू वी अपॉन 2 टाइम्स एल, कितना है 2, मेरे पास V की वैल्यू आ गई है 190 इंटू 4। स्पीड ऑफ साउंड बेटा मेरे ख्याल से 760 मीटर पर सेकंड आ गया। इसका मतलब इस रस्सी के अंदर जो वेव है, जो वेव ऑन स्ट्रिंग है, उसकी स्पीड बेटा 760 मीटर पर सेकंड है। सर स्पीड नहीं पूछिए मुझसे, तो सर वो पूछा है क्या कहते हैं, टेंशन पूछिए। अब तो आ जाएगी बेटा, स्पीड ऑफ साउंड इज ऑफ कोर्स अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन म्यू, दैट इज अंडर रूट ऑफ टेंशन, टेंशन तो निकालनी है, म्यू म्यू इज ऑफ कोर्स मास पर यूनिट लेंथ, कितना मास है इसका, इसका मास है 40 ग्राम, कितनी लेंथ पे 2 मीटर पे, डिवाइड बाय 2, बड़ा 2 को मैं ऊपर ले गया, एंड इट शुड बी इक्वल टू 760। ये बड़ा आपका आंसर है, कर लोगे सो, चलो मैं भी कर लेता हूं, बोलना बेटा क्या करूंगा, टी अपॉन 2×10⁻²⁻², शुड बी इक्वल टू 760×760। मेरे पास आ गया टेंशन शुड बी इक्वल टू 760×760×2×10⁻²⁻²⁻², बड़ा मैं क्या हो गया कैसे, बड़ा
552 न्यूटन, ये आनी चाहिए आपकी रस्सी में टेंशन, ये बड़ा आपके पास टेंशन, ये बड़ा हमारा आंसर। आई होप समझिए क्यों। आगे चलते बीट फ्रीक्वेंसी पे एक सवाल और करते हैं बच्चे। बीट फ्रीक्वेंसी पे बड़ा एक सवाल और करते हैं। चलिए बच्चों एक सवाल और बताते हैं। हमारे पास ये एक रस्सी जो दोनों एंड से फिक्स्ड है, जो दोनों एंड से फिक्स है, और इसके साथ एक ऑर्गन पाइप, इस तरह से एक ऑर्गन पाइप, ठीक है बच्चों। ओपन एट बोथ एंड्स हैं डायग्राम से, चलो इसको क्लोज कर लेते, मजा आएगा, क्लोज कर लेते, एक एंड से क्लोज है एक एंड से ओपन है, और ये अपने सेकंड ओवरटोन के अंदर वाइब्रेट कर रही है। ऑर्गन पाइप जो है इसमें साउंड है वो सेकंड ओवरटोन मोड में है। सेकेंड ओवरटोन मतलब याद तो आ गया ना, फिफ्थ हार्मोनिक, कौन सा, फिफ्थ हार्मोनिक। ये जो रस्सी है बड़ा, इस रस्सी ने, ये रस्सी ऐसे बड़ा वाइब्रेट कर रही है, और इससे जो फ्रीक्वेंसी है वो मुझे सवाल के अंदर दे रखी है, दैट इज 300 हर्ट्ज, ये 300 हर्ट्ज, ये 300 हर्ट्ज, दोनों मिलकर बीट फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हैं 5 हर्ट्ज की। दोनों कौन, रस्सी और ये ऑर्गन पाइप, ये दोनों मिलकर ऐसे 5 हर्ट्ज की बीट फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हैं। अच्छी बात है, बढ़िया है। तो आप समझ गए कि सर वो अगर 300 हर्ट्ज है तो ये 305 है या 295 है, दोनों में से कोई सी एक है ऑफकोर्स, लेकिन कौन सा है उसके लिए कोई ना कोई हिंट तो और देना चाहिए, अभी दे देते। सवाल में लिखा है कि ऑन इंक्रीजिंग टेंशन इन स्ट्रिंग बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, ठीक है, देन फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप के अंदर साउंड की स्पीड क्या है, सब कर लेंगे रिलेट, बिल्कुल तैयारी कर रखी है अपने तो, हर चीज करने के लिए तैयारी कर रखी है। सुनिए बेटा, ये दोनों मिलकर 5 हर्ट्ज के बीट बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मिलकर अगर 5 हर्ट्ज के अगर बीट बना रहे हैं तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी या तो 305 हर्ट्ज या 295 हर्ट्ज, दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, एक होगा। उसके लिए हिंट दे रखा है कि रस्सी में अगर मैं टेंशन बढ़ाऊंगा, बड़ा सिखा चुका हूं, रस्सी में अगर टेंशन बढ़ाओगे तो रस्सी के अंदर जो बड़ा जो वाइब्रेशन हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो बड़ा ये 301 302 ऐसे कुछ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्गन पाइप 295 हर्ट्ज से अगर वाइब्रेट कर रही है तो ये जो गैप पहले 5 था ये गैप घटकर बड़ा 4 हो जाएगा, बढ़कर 6 हो जाएगा या 7 हो जाएगा। गैप बढ़ने की बात कर रखी है, सवाल के अंदर घटने की बात बोल रखी है। आप बोलो सर गैप मतलब बीट फ्रीक्वेंसी, वो तो घटने की बात हो रखी है, तो 295 हर्ट्ज तो आंसर नहीं हो सकता, पक्की बात है कि आंसर तो 305 हर्ट्ज है। जो डिफरेंस पहले आपका 5 था वो डिफरेंस घटकर या तो 4 हो गया या वो घटकर 3 हो गया। जो डिफरेंस पहले 5 था फिर 4 और अब 3 हो गया, डिफरेंस अगर घट गया तो बीट फ्रीक्वेंसी घट गई है, और वही सवाल के अंदर लिखा हुआ है। So we obviously know that ki beat frequency has decreases and it will happen if organ pipe is vibrating at 305 hertz. So organ pipe is vibrating at 305 hertz and it should be equal to second overtone bol rakha beta. Ab aapko to itna to formula to yaad hona chahiye yaar. Second overtone matlab fifth harmonic.
आई रियली होप यू डू रिमेंबर, वन एंड क्लोज वन एंड ओपन, इसमें बड़ा सेकंड ओवरटोन मतलब पांचवा हार्मोनिक, अगर नहीं याद आ रहा मैं याद दिला देता हूँ, केथ ओवरटोन मतलब टू के प्लस वन हार्मोनिक, और आपको अगर याद हो तो सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक से पॉसिबल थे, इवन हार्मोनिक तो इस केस में पॉसिबल थे ही नहीं। तो आप कह सकते हो कि सर सेकंड ओवरटोन मतलब पांचवा हार्मोनिक, एंड पांचवा हार्मोनिक विल बी फाइव टाइम्स फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, एंड वी नो दैट की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज वी अपॉन फोर एल, बड़ा वी अपॉन फोर एल, अरे बड़ा मैं एक चीज मिस कर गया, इसकी लेंथ बड़ा आपको दे रखी, इसकी लेंथ बड़ा सवाल में गिवन, अदरवाइज बड़ा अपन से हो नहीं सकता, ठीक है, 50 सेंटीमीटर है, कर देंगे बड़ा अपन, तो हम कहेंगे कि 305 इज 5 वी अपॉन 4 इंटू एल, एल इज ऑफकोर्स 0.5, मेरे पास आ गया दैट इज 5V अपॉन 2, बड़ा V की वैल्यू आ गई है 305 अपॉन 5 इंटू 61 इंटू 2 आ गई बड़ा, स्पीड ऑफ साउंड इज 122 मीटर्स पर सेकेंड, बड़ा स्पीड ऑफ साउंड इज 122 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर, बढ़िया आंसर। अगर हमें ये बोल दे कि अंदर गैस कौन सी है तो हम उसका टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं, भाई स्पीड ऑफ साउंड इज अंडर रूट ऑफ गामा आरटी अपॉन एम, बोल दे कि हाँ भाई अंदर तो मान लीजिए बड़ा ऑक्सीजन है, तो अंडर रूट ऑफ गामा आरटी अपॉन एम, गामा पता ही ऑक्सीजन का, आर वैसे पता है, मोलर मास वैसे पता है बड़ा 32 ग्राम पर मोल, टेम्परेचर भी हम अंदर से बड़ा आराम से निकाल सकते हैं, और ये टेम्परेचर वगैरह पूछने वाला सवाल तो बड़े आराम से एडवांस लेवल तक का सवाल हो गया, जिसमें खूब सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो जाते हैं, ठीक है बच्चा, तो आई होप हमारा काम बन जाएगा इससे। आप लोग बेटा अपनी इसेंशियल वाली जो शीट है उसमें बीट तक के सवाल कर लेना, आखिर में एक डॉपलर इफेक्ट होगा उसके सवाल मत करना, उससे पहले तक के आप सारे के सारे सवाल कर सकते हो, तो इसेंशियल में आप सिर्फ डॉपलर छोड़ के सारे काम निपटाओ बच्चों, ठीक है। अब बात आती बेटा बुक की, बुक जिन बच्चों के पास समय हो मैं उनको बोलता ही रहता हूँ कि ना आप लोग ना HCV करते रहा करो, तो HCV के अंदर आप कर सकते हो, मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूँ, इट इज़ चैप्टर नंबर 16, और उसमें आप लोग पहले सोल्ड एग्जांपल कर लो, बड़ा सोल्ड एग्जांपल मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, बट मुझे याद नहीं है कि मैं तुम्हें कौन से दे चुका हूँ, इसलिए मैं तो एक बार वापस ले देता हूँ, आप बड़ा क्वेश्चन कर लेना सोल्ड एग्जांपल्स में 1 to 16, और अगर आपको इनमें से कोई सवाल बहुत ही ट्रिवियल लगे, आपको लगे कि सर ऐसे सवाल तो अपन ने क्लास के अंदर कर रखे हैं, ऐसे मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मत करना, और अगर आपको लगे नहीं सर टाइम पड़ा है इसी बहाने कैलकुलेशन भी मेरी थोड़ी बेटर हो जाएगी, सर कर लो, बिल्कुल कर यार, है ना, सवाल करने से कोई नुकसान थोड़ी होता है, फ़ायदे होते हैं, है ना, कई बार मैंने कुछ और वैल्यूज ले रखी होती है सवाल में, कुछ और वैल्यूज दे रखी होती हैं, तो कैलकुलेशन तो बेटर होती है। और इसमें फिर आप एक्सरसाइज के अंदर HCV की एक्सरसाइज के अंदर अगेन बड़ा मैं एक बार आपको पहले शायद सवाल दे चुका हूँ, आई डोंट रिमेम्बर, तो मैं फिर लिखा ही दूँ तो मैं बड़ा कौन से कर सकते हो ना, आप बड़ा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर वन से लेकर 61 तक कर सकते हो, ऑफ कोर्स बेटा ये 61 सवाल है एक साथ तो नहीं होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें से 20-30 सवाल आपको पहले भी दे चुका हूँ, नहीं दे रखे तो बेटा ठीक है अब कर लेना, और रोज़ के 10 सवाल करोगे तब भी काम चल जाएगा, अगले 5-6 दिन में इसको निपटा सकते हो, है ना, तो ये कर लेना, इसके आगे के जितने सवाल हैं वो सारे सारे डॉपलर के हैं, है ना, तो वो तो जब पढ़ेंगे तभी करेंगे, तो आप 61 तक कर सकते हो, टेक योर टाइम, है ना, इसमें इतना जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, और टाइम मिले तो ही करना, इसेंशियल शीट मस्ट है बेटा, ये तो डिजायरेबल है, जिस बच्चे के पास समय हो वो तो करे कम से कम, चलिए।